सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई फेरो स्क्रैप निगम के निजीकरण का विरोध श्रमिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर किया। श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर कोई कंपनी घाटे में है तो उसे बेचना, निजीकरण करना अच्छी बात है, मगर FSNL एक लाभ कमाने वाली कंपनी है, उसको निजीकरण कर औने पौने दाम में बेचना चाह रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कितने लोगों का रोजगार चल जाएगा? रोजी रोटी है हमारी, घर का चूल्हा बुझ जाएगा, बच्चों के साथ हम लोग भी रोड पर आ जाएंगे। मेन तो निजीकरण का लिए आंदोलन इसलिए है कि इतने लोगों की रोजी रोटी जा रही है। FSNL एक फायदे लाभ वाली कंपनी है, ये नहीं कि घाटे में है। घाटे में किसी कोई कंपनी घाटे में है उसे बेचना, उसका निजीकरण करना बहुत अच्छी बात है, निजीकरण करो ठीक है, पर फायदे वाली कंपनी को निजीकरण में डाल रहे हैं आप, कहीं औने पौने दाम में बेचना चाह रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? कितने लोगों का तो रोजगार छिल जाएगा, रोजी रोटी है हमारी, रोजी रोटी चली जाएगी, घर का चूल्हा बुझ जाएगा, बच्चे हम लोगों के भी, हम लोग रोड में आ जाएंगे, क्या करेंगे इस कंडीशन में? अभी कम से कम इसमें 500 कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी हैं, और फिर इसके बाद अपनी ये मैन पावर लेबर मजदूर जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये है 800,000 करीब इसमें है, इसकी सभी इकाइयों में कार्यरत है। FSNL चूँकि 40 सालों से भारत सरकार का एक उपक्रम है ना, और इसको अभी के गवर्नमेंट द्वारा बेचा जा रहा है, तो इससे क्या है, हम लोग का रोजी रोटी जो है छीन जाएगा।